भारत देश इस वक्त कोविड-19 नोवेल कोरोना जैसी गंभीर महामारी से गुजर रहा है। भारत लॉकडाउन है और सभी से कोरोना संक्रमित लोगों समेत एक दूसरे से दूरी बनाकर रखने की अपील की जा रही है। तो वहीं सुरक्षा के लिहाज से अब खुर्जा अस्पताल में मरीजों व डॉक्टरों का ख्याल एक रोबोट के माध्यम से रखा जाएगा। खुर्जा के जटिया अस्पताल को L1 घोषित किया गया, उसके बाद यहां कोरोना संक्रमित मरीजों को भर्ती कर उनका इलाज किया जा रहा है। बुलंदशहर जिलाधिकारी रविंद्र कुमार के आदेश पर L1 अस्पताल को एक रोबोट भेंट किया गया है। ये रोबोट बुलंदशहर के दो होनहार छात्रों द्वारा ही बनाया गया है। छात्रों द्वारा बनाए गए इस रोबोट को कोबोट नाम दिया गया है। कोबोट नाम के इस रोबोट के द्वारा कोरोना संक्रमण के मरीजों को वार्ड में खाना और दवा दिए जाने के लिए प्रयोग में लाया जाएगा, जिससे संक्रमित मरीज से डॉक्टर और स्टाफ के लोगों में कम से कम संपर्क हो सके। छात्रों द्वारा बनाए गए इस रोबो में कई खूबियां हैं। इसकी रेंज करीब 1 किलोमीटर के एरिए को कवर करती है। इसमें एक डिवाइस लगाई गई है जो वाईफाई नेटवर्क के माध्यम से मोबाइल को कनेक्ट करती है। इसे इस्तेमाल करने के लिए मोबाइल में एक एप्लीकेशन भी इंस्टॉल करनी होती है और कैमरे की मदद से डायरेक्शन देखकर मरीजों तक खाना और दवा पहुंचाई जा सकती है। इसका फायदा यह है कि अस्पताल में भर्ती कोरोना के मरीजों की देखभाल बिना उनके संपर्क में आए की जा सकती है। तो वहीं मौके पर मौजूद खुर्जा उपजिलाधिकारी ईशा प्रिया और खुर्जा CMS प्रीतम सिंह ने इस कोबोट नाम के रोबोट का ट्रायल कर मेडिकल टीम को सौंप दिया। जिलाधिकारी महोदय द्वारा एक कोबोट दिया गया है और जिसके द्वारा हम वार्ड में दवा या और खाने पीने की चीज़ों का हम उसके बारे में पता लगा सकें, उसके मरीज के पास तक सब चीज़ ठीक से पहुँच रही है या नहीं पहुँच रही, उसमें ये बहुत फ़ायदा करेगा। हाँ, वो हैंड सैनिटाइजर था, वो प्रयोग में लाया जा रहा है, वो अत्यंत उपयोगी साबित हो रहा है। हाँ सर, ये जो हमने रोबोट बनाया है इसका नाम कोबोट है। ये मैंने और मेरे फ्रेंड अतुल के साथ मिलकर बनाया है। ये वाला रोबोट बेसिकली L1 हॉस्पिटल्स में फूड और मेडिसिन डिलीवर करने के लिए आइसोलेशन वार्ड में जो भी पेशेंट्स हैं। और इससे पहले जो हमने रोबोट बनाए थे वो Delta 3.0 थे, वो ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइज करने के लिए थे, ताकि आपको सैनिटाइजर का कंटेनर भी ना छूना पड़े और आपको चांसेस बहुत कम रहे कोरोना होने। ये वाली यूनिट हमने 4 दिन में बनाई है, मतलब ये काफ़ी रिक्वायरमेंट है अभी, तो इसलिए हम 4 रात से सोए नहीं है और हमने इसको 4 डेज और 4 नाइट में कर। सर ये मतलब हम चाहते हैं कि हमारे टेक्नोलॉजी हॉस्पिटल्स में यूज़ हो, हमारे स्टेट के काम आए, तो इसलिए हमने इसको जल्दी से जल्दी बनाने की कोशिश करी और 4 डेज 4 नाइट। लागत कितनी आ गई होगी सर? ये यूनिट 75,000 में बनी है और जो हमें मतलब प्रशासन के द्वारा प्रोवाइड करा गया इंडस्ट्रीज के। बुलंदशहर नगर निवासी और नोएडा की अलग अलग यूनिवर्सिटी और कॉलेज में पढ़ने वाले निशांत शर्मा और अतुल शर्मा ने मिलकर ये रोबोट तैयार किया है, जबकि इन दोनों छात्रों द्वारा बनाया गया यह है 3रा रोबोट है। इस रोबोट को जिलाधिकारी रविंद्र कुमार के आदेश पर खुर्जा के जटिया अस्पताल में इस्तेमाल करने के लिए दिया गया है, जो कोरोना वायरस से लड़ने वाले योद्धा डॉक्टरों को भेंट किया गया। इससे पहले भी हाथों को सैनिटाइज करने वाला एक रोबोट खुर्जा अस्पताल में भेंट किया गया है, जो काफी फायदेमंद साबित हुआ। गौरतलब है कि बुलंदशहर में अब तक कोरोना वायरस के 24 मामले पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें से एक डॉक्टर की मौत हो चुकी है जबकि 2 लोग इससे ठीक हो चुके हैं। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ हामिद सैफी, Time 24 न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।